प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। इस बार उनके सामने वृंदावन के फेमस बाबा प्रेमानंद महाराज और उनके पूरे ब्रज के संत हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा खंडवा के ओमकारेश्वर में कथा के बीच राधा रानी को लेकर बयान देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वे बरसाना से नहीं रावल की रहने वाली है। बरसाना में तो उनके पिताजी की कचहरी थी, जहाँ वह साल में एक बार जाया करती थी। रहने वाली थी राधा, जम के बोलो है? बरसाना पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। अब इस बयान को लेकर बवाल हो रहा है। ब्रिजधाम के संत पुजारियों ने SSP से शिकायत की है। प्रेमानंद महाराज सहित कई संत महंतों ने प्रदीप मिश्रा को चुनौती दी है कि वे श्री जी के विषय में शास्त्रार्थ करने आ जाएं। दोनों तरफ से बयानों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। प्रदीप मिश्रा ने भी पलटवार करते हुए विरोध करने वालों को शिवद्रोही कह दिया है। दोनों ओर से शास्त्रों के प्रमाण होने की बात कही जा रही है। इस मामले को लेकर देश भर के संत महंत बट गए हैं। कुछ ब्रिजवासियों के साथ है तो कुछ प्रदीप मिश्रा के साथ। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में अपनी कथा के दौरान एक नेता और पार्टी के समर्थन में वोट देने की वे अपील कर चुके हैं। इसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की भी सलाह दी थी। इसके अलावा इंदौर में बाहरी लड़कियों द्वारा शराब की दुकान पर खड़े होकर फिजा बिगाड़ने की भी बात कही। अब जान लीजिए कि इस पूरे विवाद में कौन सही है। पुराणों की बात करें तो ब्रह्म वैवर्त्य पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में वृंदावन के पास भांडिर वन नामक जंगल में हुआ था। राधा रानी तीनों लोक की मालकिन है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के प्राकृतिक खंड में स्वयं शिव जी और माता पार्वती जी से 4 अध्याय 40, 49, 50, 51 में राधा तत्व पर बात की गई है। आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़े और भी अपडेट के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।